जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है, थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। मुलाजमा बना के रखा हुआ था उसने हमारी बेटी को, टिपिकल जाहिल मर्दों की तरह। हमें पूरा यकीन है अपनी तरबियत, तभी वफा पे नहीं तुम पे एतबार किया। कल कला को मुझे कहीं से पता चला कि तुमने हमारे एतबार पे ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अनजान बनने की कोशिश मत करो बाकर अली। अगर मेरी बेटी ने मुझसे ये बात छुपाई हुई थी तो कम से कम तुम तो मुझे सारी बात बता सकते थे ना। मैंने तुम पर, तुम्हारी दोस्ती पर एतबार करके अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे, तुम। अरे कहाँ है भूत? किधर है भूत? कहाँ है बेटा भूत? बता 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 कहाँ है भूत? वो भूत नीचे, खाना जान मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तेरा खाना खराब हो, कहाँ है भूत? हैं? भाई डर गया है, सोते में डर गया है बेटा। अरे नहीं, इसका दिमाग खराब हो गया। कहाँ भी था कमबख्त कि रोटियां कम खाया कर, हैं? इतनी सारी रोटियां खा ली, बदहजमी हो गई, उल्टे सीधे ख्वाब आने लग गए। हाँ यही कुछ हुआ है, चलें जाएं सोएं। अकेला बेटा ऐसे ले जाओ। नहीं मामूजान। अरे बच्चा डर गया है। मामूजान मेरी बात का यकीन करें, आपको मेरा यकीन करना होगा। अगर आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया ना तो वो हम सबको चुप चुप के मार देगी। हाय मेरे अल्लाह, क्यों कौन मार देगी, किसको मार देगी? वो आना सना बके जा रहा है, कौन मारेगी? वफा, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है भूत बन के हम सबको मारने के लिए। अरे अल्लाह मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे का दिमाग खराब हो गया, ये तो पागल हो गया है। अरे मेरी बेटी को जवानी में बेवा कल्ला कमबख्त मारे, हैं? इसका दिमाग खराब हो गया। अम्मी इसका दिमाग तो हमेशा से खराब था। खादिम हुसैन, ये तुमने क्या नया शोशा छोड़ा है? वफा तो जिंदा है, उसका भूत कहाँ से आ सकता है? तुमसे किसने कहा की है अकेला बाजी? वफा मर चुकी है, हम सबके लिए वफा मर चुकी है। अब इस घर में उसकी रूह को भी मंडलाने की इजाजत नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? चले। अरे ये क्या हो गया है? सुन लिया तूने? खामखा आके शोर शराबा कर दिया कमबख्त। चल 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 के आराम कर, मेरी तरफ चल, मैं तुझे सुलाऊं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या हो रहा है? तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी जान। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ डियर। तुम्हें अब सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा, अपना ख्याल रखा करो और भूल जाओ उस शख्स को जिसने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। मैंने जिंदगी में एक बार नहीं, दो बार धोखा खाया, दो शादियां हुई और दोनों ही नाकाम। इसका ये मतलब तो नहीं कि जिंदगी रुक गई मेरी। हमारी जिंदगी में कई दफा ऐसे लोग आते हैं जो चले भी जाते हैं, इससे जिंदगी नहीं खत्म होती मेरी जान। और तुम देखना, जब तुम जीने लगोगी, जिंदगी को फिर से अपनाओगी, खुशियां फिर से तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देंगी। May I come in? कैसी हो? ठीक, तुम कैसे? मैं वैसा का वैसा। तुम जानती हो मैं बदलने वालों में से नहीं हूं।
तुम बताओ कैसी गुजर रही है जिंदगी? कितनी बदल गई है ना। तुम्हारे बदलने की खुशी में एक कप चाय हो जाए। तुम लोग बैठो, गपशप लगाओ, मैं जरा हुमैरा को मिल के आती हूँ। चाय पीनी है? तुम पिला दोगी तो पी लूंगा। उसाना? जी बीबी जी। भंटी के लिए चाय लेकर आओ। अभी लाई। आप बताओ, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बाज नहीं आओगे? जब बात तुम्हारी आती है तो मैं बाज नहीं। कितना बदल गया ना तुम। अच्छा, वो कैसे? हर वक्त माथे पे बल डाले बैठे रहते, मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गए। वफा ने तुम्हारी पीठ में छुरा क्या घोंपा, तुम तो हम सबको कसूरवार ठहराने लगे। कितनी बार मैं कह चुका हूँ तुमसे, मेरे सामने वफा का नाम मत लिया करो। उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तुमने कहा और ताल्लुक खत्म हो गया? नहीं, वक्त गुस्से और नाराजगी से मियाँ बीबी एक दूसरे से अलग जरूर रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दरमियान ताल्लुक खत्म हो गया। वो अब भी तुम्हारी बीबी है। उसने मेरा दिल एतबार खोया है, उसने मेरा, वो मेरी बीवी कहलाने के लायक ही नहीं है। तो तलाक दे दो उसे। वफा उसका घर तो छोड़ा ही है, मगर उसका दिल, उसका दिमाग अभी भी रहमत के साथ है। उसके लिए रहमत को भुलाना बहुत मुश्किल होगा। सजीला ने बंटी को बताया कि रहमत ने अपने घर में वफा का जिक्र करने से भी सबको मना कर दिया। बहुत फासले पैदा हो चुके हैं दोनों मियां बीवी में। वफा रहमत को बुलाए या नहीं बुलाए, लेकिन रहमत उसके दिल के दरवाजे उसके घर के दरवाजों की तरह हमेशा के लिए बंद हो चुके। और अगर उसकी ये सोई भी मोहब्बत जाग गई और वो अपनी बीवी को वापस लेने आ गया? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं रहमत को कुला का नोटिस भेज चुकी हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की ना? वफा को तलाक देने का ही कहा है। वैसे भी तुम अपने दिल से, अपने घर से तो उसको निकाल ही चुके हो, तो अपनी जिंदगी से क्यों नहीं? तुम मर्द हो, चाहो तो मिनटों में तलाकनामा भिजवा के उससे अपना रिश्ता खत्म कर सकते हो। मैं वफा को तलाक नहीं। क्यों क्यों नहीं दे सकते तुम वफा को तलाक? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में वफा के लिए मोहब्बत मौजूद है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है, मैंने तलाक का लफ्ज मुंह से क्या निकाला, तुम्हारी तो जैसे सांस ही रुक गई। सच तो ये है, जो तुम दिन रात वफा से नफरत के दावे करते फिर रहे हो, ये भी वफा से मोहब्बत का इजहार है। ये सच नहीं है। क्या कुछ नहीं किया वफा ने तुम्हारे साथ, फिर भी तुम्हारा दिल अभी भी उसी का असीर है। सज्जो, तुम गलत समझ। बात ये नहीं है कि मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता, बात यह है कि मैं उसे आजादी नहीं करना चाहता। अगर मैं उसे तलाक दे दूंगा, वो तो यही चाहती, खुश होगी वो तो, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसे। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और ना ही अपनाऊंगा। इसी तरह सारी उम्र मेरे नाम से उसका नाम जुड़ा रहेगा। अगर वो मेरी ना हो सकी ना, तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। क्या खुला का नोटिस? वफा जानती है इसके बारे में? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये नोटिस रहमत को मिलेगा तो रहमत दुश्मनी पर उतर आएगा,
और तब वफा मेरे फैसले की तायद करेगी। मैं कुछ समझी नहीं। नोटिस में रहमत पर बहुत से इल्जाम लगाए गए, ऐसे इल्जाम जिन्हें पढ़कर रहमत खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और फिर दोनों में कानूनी जंग छिड़ जाएगी और इस जंग को जीतने के लिए रहमत खुलकर मैदान में आ जाएगा और उसकी जानिब से वफा पर ऐसे ऐसे इल्जाम अदालत में लगाए जाएंगे कि ये जंग शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अभी तक जो नफरत दिलों में चिंगारी बनकर भड़क रही है, ये नोटिस मिलने की देर है। फिर देखना ये चिंगारी भड़कते शोलों में तब्दील होकर सब कुछ जलाकर राख कर देगी। कौन था बेटा? पोस्टमैन था, खत देके गया। किसका खत है? पता नहीं, मैं खोल के देखता हूँ। किसका खत है बेटा? तुम इतने परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? वफा ने खुला का नोटिस भिजवा। क्या? क्या बात है वफा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? खा तो रही हूँ मामा। देख रही हूँ मैं तुम कितना खा रही। बाबरा आज तुम्हें कितना समझा कर गई है ना कि सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने बारे में सोचो, लेकिन तुम हो के किसी की बात समझती नहीं। तुम इसे अपनी जैसी और अपने दोस्तों जैसी बनाने की कोशिश मत करो। बाबरा में और वफा में बहुत फर्क है। जब दिली बुझा बुझा हो तो क्या अच्छा लगेगा किसी को। आप बार बार मायूसी की बातें करके मेरी बेटी को डिस्टर्ब मत कीजिए। कुछ नहीं हुआ इसे, ठीक है ये बिल्कुल। इसे तो आजादी मिली है, इसे खुश होना चाहिए। ये अब जो दिल चाहे खा पी सकती है, जो दिल चाहे ड्रेसअप कर सकती है। क्या फायदा ऐसी आजादी का जब सब कुछ दस्तरस में होते हुए भी वो बेबसी महसूस कर रही है। हर चीज सामने रखी हुई है लेकिन उसे भूख नहीं महसूस हो रही। अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए इसे खुद कोशिश करनी होगी। आज बड्डी ने इसको कितना कहा बाहर खाने पर चले, लेकिन यह है कि गई नहीं। मामा आप जानती मेरा मूड ठीक नहीं था, आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं इतना। ठीक है तुम बैठे रहो उस बदमाश जाहिल गंवार को अपने दिल से लगाकर। मामा रहमत जैसे भी है ना, बदमाश नहीं है। उसने तुम्हारे भाई को मारा पीटा, गालिम गलोच की, और तुम कहती हो कि रहमत बदमाश नहीं है, बहुत डिसेंट है। अरे खाना तो खाने दिया होता उस बेचारी को। खा लेगी जब भूख लगे। बस तुम ही खाती रहो। अब क्या होगा? अब क्या होना है हसन? अदालतों के चक्कर लगेंगे, पेशियां भुगताएंगे, और क्या। कितना समझाया था तुम्हें कि दरगुजर से काम लो सलमा, दरगुजर से काम लो,
बहू भी बेटियों की तरह होती है, लेकिन नहीं, देखो रोज रोज की चिक चिक ने हमें इस हालत पे पहुंचा दिया। दो कौड़ी की इज्जत रह गई है हमारी। आप आज भी वफा की गुनगा रहे? अरे उसका भी तो फर्ज बनता था, दरगुजर से काम लेती, ये कहां का खानदानीपन हुआ? मैं के जाके खुलाकर नोटिस भेज दिया। सच पूछो तो मुझे सलमा, मुझे बहू से ये तवक्को हरगिज नहीं थी। भाई ठीक है, लड़कियां जज्बात में आकर नाराज हो जाती हैं, गुस्से हो जाती हैं, जाके मैके बैठ जाती हैं, लेकिन खुला जैसा इंतहाई कदम। ये भी तो हो सकता है ना कि भाभी ने जज्बात में आके कदम उठाया। आप बोलो तो मैं बात करूं। नहीं। मामला नाराजगी का नहीं है, दुश्मनी का है। दुश्मनी है तो दुश्मनी सही। मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूं, जवाब दूंगा, मैं उसे भरपूर तरीके का जवाब दूंगा। रहमत बेटा, ये क्या बात कर रहे हो तुम? अबू, जहां बात मेरी इज्जत नफ्स की, वहां मैं बिल्कुल भी समझौता नहीं करता। वफा ने मुझे नोटिस भिजवाया है, मेरी इज्जत के ऊपर कीचड़ उछा रहा है, उसे कभी माफ नहीं करूं, कभी। क्या लिखा है इसमें? बोलती क्यों नहीं, पढ़ो जरा। क्या इल्जाम लगाया उन्होंने मेरे बच्चे पर? इसमें लिखा है कि भाई का किरदार ठीक नहीं था, वो गालम गलोच भी करते थे भाभी पर और उन्हें मारते पीटते भी थे। हैं? और उनका दूसरी औरतों के साथ, हाय अल्लाह। और इसमें लिखा है कि वो उन्हें हफ्से पैजामे भी रखते थे और खर्चा भी नहीं देते थे। अल्लाह की मार पड़े इन झूठों पर, सत्यानाथ जाए इनका, कहीं सुकून ना मिले। मेरे बेटे के दिल पे क्या गुजर रही होगी ये नोटिस पढ़कर। कुछ नहीं कहो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। अल्लाह, सारा दिन फिल्में और ड्रामे देख देख के यही हाल होना है ना। रात को सोना भी अजाब करती है इस आदमी ने। उफ अल्लाह, उफ। नहीं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पापा। मैंने तुम पे झूठा इल्जाम लगाया, तुम पे बुरी नजर डाली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मुझे एक दफा माफ कर दो, आखिरी दफा माफ कर दो पापा। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। शर्म नहीं आती आपको? कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप आदम भाई। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? कैसे कैसे इल्जाम लगाए तुमने मुझ पे? आपसे मैं कैसे जबरदस्ती कर सकता हूँ पापा जी? मैंने तो आपको सगी बहनों की तरह समझा, मुझ पे ऐसे इल्जाम।
ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। उसकी खुशियों की तो तू दुश्मन है दुश्मन। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर सज्जो और रहमत की शादी में कोई गड़बड़ की तो मेरे से तेरा ताल्लुक खत्म। कि मैं केस वापस लेने को तैयार हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। केस उन्होंने दायर किया है, उन्हें ना को चने चबवाना चाहता हूँ। कुछ भी हो जाए मैं ये केस वफा को नहीं जीतने दूंगा। वफा क्या लिखा था बेटा?